नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्तान चौक ब्रिज पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और किशनगंज पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है। आज काउंटिंग का दिन है और पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग में पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है, जहाँ पे लोगों को आवागमन में काफ़ी भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आप देखिए कितनी बड़ी लंबी लाइन कतार पर गाड़ियाँ खड़ी है। किन्हीं को ऑफिस जाना है तो किन्हीं को मेडिकल जाना है, मगर यहाँ किशनगंज SP कुमार आशीष पर सीधा सवाल खड़ा उतर रहा है कि आखिर किशनगंज SP किस तरह की व्यवस्थाओं को देख रहा है। यहाँ पे लोग जाम में घंटों से खड़े हैं, या लोग बताते हैं कि 2-2.5 घंटा हो चुका है और अब तक यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन के लोग नहीं आए जाम को खाली कराने के लिए। आप देख सकते हैं जिस तरह की हालत है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। लोग कैसे निकल रहे हैं, लोगों को अब इतनी दिक्कत होने लगी कि लोग नीचे की ओर से निकल के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो किशनगंज प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। इसका संविधान का व्यवस्था करना चाहिए था। अभी हम लोग जा रहे हैं चुनाव में जा रहे हैं और देखिए क्या हाल है। कम से कम आधा घंटा से फंसे हुए हैं, आधा घंटे से 30 मिनट से फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ पे पुलिस प्रशासन के कोई लोग नहीं है, बिल्कुल लूज है, बिल्कुल नहीं। एक घंटा जाम में फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ पुलिस फोर्स अब तक नहीं आया है, व्यवस्था देख रहे हैं कोई चीज का। मतलब इलेक्शन है आज, वोटिंग हो रही, गिनती हो रही है, यहाँ पे पुलिस फोर्स कोई भी नहीं दिख रहा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पुलिस फोर्स कुछ नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए, आदमी सब यहाँ से 1.5 घंटा से रुका हुआ है। आज होना पुलिस फोर्स जरूरी था। मतलब पुलिस से गाड़ी आ रही है, किशनगंज प्रशासन की ऐसी विफलता दिख रहा है। प्रजादमन से भी है, बालगंज से है, खैरागढ़ से है, हर जगह से यहाँ लोग आगे हैं। यहाँ दिक्कत है, यहाँ प्रशासन का ये होना जरूरी है। पर सवाल खड़ा उतर रहा है कि किशनगंज प्रशासन की व्यवस्था जो है वो किस तरह से है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन जो है वो खड़ा है और यहाँ लोग आवागमन कर रहे हैं पैदल। लोगों की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है और ना ही आप, हालांकि मेरी SP किशनगंज कुमार आशीष से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भारी तैनात में बल तैनात की जा रही है, मगर अब तक 1 घंटा हो चुका है और ना ही कोई पुलिस फोर्स पहुंची है और ना ही यहाँ पे कोई चौकीदार तक दिख रहा है। मगर अफसोस है कि यहाँ लोगों को आवागमन में भारी समस्याएं हो रही है। कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लें, कितने देर से फंसे हुए जाम में? अहमदनगर से। कितने देर से फंसे हुए हम लोग? 1 घंटा से फंसे हुए। 1 घंटा से फंसे हुए, पुलिस अभी तक नहीं आई है? नहीं आई है, कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। हमको काउंटिंग में जाना है, हम रास्ते में फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ लोगों का कहना है कि 1 घंटा से खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ 2 घंटा हो गया सर, 2 घंटा से ज्यादा जाम है, कोई प्रशासन का कोई बातें नहीं है। यहाँ पर हम मस्तान चौक ब्लॉक के पास पुल के पास खड़े हुए हैं, किसी का कोई सुविधा नहीं है। मतदान मेरा। अब चाहे बनवाने हो फ्लैक्स बोर्ड, पोस्टर्स, हैंडबिल्स, बैनर्स, या करवानी हो फ्लैक्स प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग, ऐसे में करे भरोसा तो सिर्फ अक्सा एडवर्टाइजिंग पर। यह है हर तरह की प्रिंटिंग में सबसे अव्वल, क्योंकि ये काम करते हैं सबसे अच्छा और सबसे सस्ते दाम पर। और सबसे खास बात, ये बनाते हैं कस्टमाइज्ड टी-शर्ट भी, और इसी के साथ साथ हर तरह की प्रिंटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे सब्लिमेशन प्रिंटिंग, टाइल्स प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, गाड़ी या बाइक के नंबर प्लेट बनाने से लेकर शादी व पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स की प्रिंटिंग भी। अक्सा एडवर्टाइजिंग है वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके प्रिंटिंग से रिलेटेड सभी कामों के लिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें किशनगंज या बहादुरगंज, या फिर कॉल करें 9473-350-465 या फिर 9931-558-786 पर।